त्यौहार माते जरा काम वह ज्यादा और टाइम वे कम तो उन टाइम रहा रेसिपी आप जरूर बनाने ट्राई कर जो आपने बहुत पसंद आवा ला तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सवार स्वागत है सर इन वास्ते मेजरिंग कप रे हिसाब में एक कप मैदो लिया हूँ आप अपने हिसाब मैदो कम बतो भी दे सको इन मैदान आप परात में ले, ले इन लेने पाव छोटा चम्मच वेज तो आप नमक डाल देव और पाव छोटा चम्मच वेते जीरो डाल देव और एक टेबल स्पून वेजती मैं मेथी ली हुई हूँ सुकोड़ी मेथी है इन तरह के हाथ में मसलने डाल दी जा दीजिए खुशबू बहुत अच्छी आवला अब इन मैंने आप दो टेबल स्पून वजू तो घी डाल दी वहां जिनको कि अपने रेसिपी खस्ता बनने तैयार रहा इन जगह में आप चाहो तो तेल भी पी सको और सब ने अपना अच्छी तरह मिक्स कर लीवें घी पा सब जगह अच्छी तरह लाग जाना मछाएं घी डाले पे मैं अच्छी तरह देखो मिक्स कर लूँ मिक्स कर बाद में पा इन मुट्टी बांध न देख लिया देखो मुटी बाँध से लड्डू बन रहा है मतलब परफेक्ट मोहन है मंड परफेक्ट वाला तो रेसिपी आप एकदम परफेक्ट ही बनने तैयार वेला अच्छी खस्ता बनने तैयार वेला अब मैं एक कप पानी लियो थोड़ थोड़ा करने में डालू ला न डोपा सॉफ्ट नहीं करना है अच्छा टाइट आटो ओसन तैयार करना है इस बस पानी आप थोड़, -थोड़ दो डालजों ही पानी बत्ते हो गए तो रेसिपी अपने खस्ता नहीं बनेगा आटो पा एकदम टाइट गूंधी तैयार हो गया इंत्रो अपन टाइट आटो गूंदी तैयार करना है एक तो आटा गूंदर में लगभग अपने तीन टेबल स्पून तो पानी ला गया तो कम्बोकम पानी डालना अपना भाई आटा न पाईक पहले मैं ले लें और ढक्कन लगाने साइड में रख दे पाची माइच पर रात ले लियाँ इन मैंने एक कप पेज तो मैदो डाल दूँ मैं तो मैदा लियूँ आप चाहो तो इन जगह तो गेहूँ आटो भी ले सको भाई इन मैंने पाव छोटा चम्मच वेजती अजवाइन डाल दें और पाव छोटा चम्मच वेजती हल्दी डाल दें और पाव छोटा चम्मच वेती नमक डाल दें आप चाहो तो इन इनमें काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सको वो भी अच्छा लगेगा न दो टेबल स्पून वेज तो अपना घी डाल दूँ आप चाहो तो इन जगह मतलब तेल भी डाल सको मैं हमेशा घी डालने बनाया करूँ रास्ते में घी डाल लिया और सब ने अपा अच्छी तरह मिक्स कर लिया इन तरह ओपा सब ने मिक्स कर लिया तो देखो जीरो कलर भी मायने बहुत अच्छा आई कि मैं मुट्टी बंद करना है अधिकाल देखो एकदम मुट्टी बंद हुई होगी मतलब मोइन अपना एकदम परफेक्ट है और एक कपड़े मायने दो टेबल स्पून मोइन एकदम परफेक्ट रहें बस थोड़ा थोड़ा करना इन्ना भी अपना उसन लियाँ पानी अपाना थोड़ा थोड़ा ही डालना है और ध्यान रखना और टाइट आटो गूंदने तैयार करना है आप रहा आटो गिलो हो गया तो उनमें नाप आप थोड़ा सा मैदो और डाल दीजो या आटो और डाल दीजो आपने मोइन भी थोड़ा बहुत तो घालना पड़ेगा इस वास्ते थोड़ा थोड़ा पानी डालना आटो एकदम परफेक्ट बनने तैयार करेला इन तरह पर दो आटा गूंधना तैयार कर लिया और भी आटो अपने टाइट ही गूंधना तैयार करना आप देख रहे हो अच्छा टाइट आटो गूंध दीजिए मैं दो ही लोही पर ले लिया दो के दस मिनट वास्ते रख देखिए दो ही लोही अपन सेट हो जाए ला रेस्ट करिए पचा आप एक सफ़ेद लोही ने ले लियाँ सब पहले पाने बैठने तैयार कर लिया तो इन्तरे ओपा बेल लिया इन मत कोई अपना है वगैरह लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि मोहन बराबर डालू डाली और डाई रास्ते चिपकेला नहीं इन तरह वो एकदम परफेक्ट ने तैयार हो जाए वाला देखकर ना माइंड आप देख पा रहे हो कितना तो सुंदर लाग रही है मिट्टी के कारण उनका लुक बहुत अच्छा होगा बढ़िया बाद में माइंड आप देख जो आपने बहुत पसंद आवे देखते ही बनो उन्हें मन करेला क्योंकि वो बहुत ही ईजी रेसिपी है इस रास्ते फटाफट बनने तैयार हो जाए वाला अभी मैं एक चक्कू इन तरह इंत्रण काट लिया हूँ इंत्रोपाण पतला पतला काट लियाँ या फटाफट कट जाए वाला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नाप करने की आपने जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो जाओ तो कोई बात नहीं बनना इतना अच्छा तैयार हो ला देखो ला आपने बहुत पसंद आवेला बच्चा नाप कर तो बच्चा भी आराम उभड़ा तैयार कर ले ला लाइना मैं लगभग एक एक सेंटीमीटर ही काट रही हूँ आप भी झेट तक हो सके इन साइज काटने तैयार कर जो इनको कई फायदा वाला मैं आपने बाद में बतूँगा देखो सब बनने तैयार हो गया आराम हो इन थ्रू करो ला आपके सब निकल जाऊंगा देखो ये पाना चकले माते भी चिपक क्या नहीं करे निकल नहीं आपने कोई प्रॉब्लम नहीं फटाफट निकल जाऊंगा एक दूसरे को चिपकेला नहीं है एकदम परफेक्ट बनने तैयार हो दू इन सब ने निकालना पर एक प्लेट में मैं ट्रांसफर कर लेवा अभी मैं पीड़ों वाला दूसरा लोया लिया इन्हें भी अपन इस तरह बेल ले अटे मैं आपने याद दिला दूँ आपने मेरी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर जो आपने अच्छी लागती हुआ तो आप लाइक करजो और यदि आप फेसबुक में तो देखता हो तो मारे पेज ने फॉलो कर सको और यूट्यूब में तो देखता हो आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजो जिन जरा भी नया वीडियो आला आपने फोन टे मैंने घंटी बाँचवेला मैं इन्हें चाकू काट रही हूँ अपने घर में मैंने पिज्जा कटर रहा होता तो उन्होंने भी काट सको ऊपरी भी इजीली कट जाए वाला इन तरह आप देख पा रही हो अपना पीड़ा वाला भी कितना सुंदर बनना तैयार हो हुआ बहुत इजिली निकल जाओ सब एक एक अलग अलग हो जाए वाला दिक्कत में बहुत ही सुंदर लग रहा इन तरह पर सब बनाना तैयार कर लिया हूँ और पाकते अपना तेल भी गर्म हो गया है तेल मैंने एक डालने पर देख लिया डालते ऊपर नहीं आ रही मतलब हाल पूरा गर्म नहीं हुए है पूरा अच्छा गर्म हो जाओ पाचा डालना है इन टाइम रहा आपने लागता वाला सब एक दूसरे चिपकिया वाला पर एक दूसरे को चिपकिया नहीं करे ये सारा खुला खुला है तेल टाइम जाते सब खुल जा वाला देखो पढ़ा तेल मैंने डाल देना इन सब अलग अलग जाना पड़ जा वाला आज ना इन टाइम रो आप मध्यम कर ले हुआ जिनको अच्छा फ्राई वाला छोटा दिखा मैंने अच्छा लगा देखो सब अलग अलग हो डाल गया देखो डालिया जब पूरा पा गुछा हो जो डाल दिया सारा अलग हो गया इन्हें फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा ला क्योंकि पतला पतला है फटाफट फ्राई हो जाओ देखो अभी आप देख पा रही हो इन से गोल्डन कलर आई गये है ज्यादा डार्क कलर नहीं आया दिखना मैंने देखो स्क्वायर मोती स्कोती चौकिया दिखाई बहुत ही सुंदर लगे पहले मैं निकाल लेंगे अबे मैं आपने पीला वाला एक वाला फ्राई करने बताऊँ देखो पीला वाला भी आराम फ्राई हो जाएगा कोई भी चिपकेला नहीं बस ध्यान रखना आँच अपन ज्यादा तेज नहीं रखनी एक बार आपने तेल गरम हो जाओ बाद मैंने पचास मध्यम मैं में फ्राई करना पूरी तरह फ्राई हो जाए मॉइस्चर खत्म हो जाए जाग खत्म हो जाए करें देखो झाक देखो ना कम पड़ गया मॉइस्चर के कारण आया वो झाग गया इन तरह निकाल दी पीला भी देखो दिक्कत ना तो बहुत ही सुंदर लाग रही है इन्हें भी आप सफेद रात ही निकाल लिया इन तरह आप सब फ्राई करना तैयार कर लिया अब सब फ्राई कर बाद में माने इन मत पड़ा थोड़ा सा चाट मसा भुरखा दूंगा और चाट मसाला मारे घर में बनाया उड़ी जाए थोड़ा थोड़ा पुरका देना जिनमें चटपटा चाहे बहुत अच्छा लाग गया आप देख रहे आवाज सुन रहे हो जाओ खस्ता बनना त्यार हो सब दाना देखो अलग अलग है कोई दाना चिपक क्या नहीं एक दूसरे इन तरह बहुत आसान झटपट बना जी का नया तरीका बनने तैयार हो गया किने भी, रवास्ते और एकदम है। इन मान काम भी नहीं है सामग्री कम लगे ला और घर बनना तैयार हो जाए मोतिया जरा लगे किन्ने पे आप सर्व करो ला तो जरूर आपने पूछा ला कि आप कि बनाना तैयार करिए तो इन त्यौहार में आते आप घर में नई तरह रेसिपी बनाना जरूर ट्राई कर जो बेर मिला साढ़े वीडियो मैंने जट तक ram ramsa